Hello friends, good evening. Myself Akhil. I am ready with one more video of research methodology paper number 201 LLM final second year, and this paper is relevant for Kurukshetra University. So friend, without wasting much time, I would like to start. It is given in page number 162. It is written here, and they are asking, sometime they ask about the collection of data, good technique of collection of data and scaling technique. So I thought to upload this video. I hope you are finding other video which I have uploaded previously very useful. Kindly comment on the box so that if you have any feedback, I can incorporate in my further videos. So friend, what is data? Data is very essential input. As a layman, data is very essential input in legal research or in legal methodology, because entire analysis and legal report is based on data only. So, and this is written in book also, the collection of data is regarded as the fascinating phase of research. Why it is fascinating? It is fascination means attractive, akarshit karne wala, because ye hamari legal research ka ek part hai, aur jisko hume karte hue we feel very delighted. So this is the reason, fascinating phase of research. Jo collection of data, time to lagta hi hai, hum kisi cheez ko study karte hain, kya study karni, kahan pe study karni hai, kin logon ko se contact karna hai, kin element ko consider karna hai. So this is of course very fascinating job for those who are interested in legal research. Research can either collect data himself. Researcher can either collect data himself or rely on others. Researcher, ठीक है, बहुत बड़ा data collection team है, तो अगर करना है तो team होती है. Otherwise, researcher has to like historian data है, जो archaeologist हैं, तो they are keep collecting data by himself or they are having dedicated team. And it require skill and expertise. Of course, data require करना, obtain करना, लोगों से contact करना, questionnaire बनाना, और किसी चीज का नेचर मालूम करना, किसी सोसाइटी का रिसर्च करना, तो उसके लिए स्किल एंड एक्सपर्टीज तो होनी ही चाहिए. अभी लाइक मोदी जी की सरकार रिसेंटली बनी है, तो उनकी सरकार कहाँ बनेगी, कहाँ नहीं बनेगी, जो एक हम एक गेस वर्क चलता है सारे चैनल में, सो मैक्सिमम चैनल्स फॉर सेइंग सेम काइंड ऑफ रिजल्ट. आई एम नॉट फेवरिंग एनी पार्टी, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, बिकॉज इट इज नाउ इट इज प्रिवेलेंट एंड इट इज कमिंग ऑन टेलीविजन, सो वी आर वेरी यूज टू विद दिस एंड वी कैन इजिली रिलेट विद आर स्टडी. सो इस तरह का डेटा वो बैठे बैठे तो नहीं बनाते हैं, दे आर सेंडिंग देयर जर्नलिस्ट, दे आर सेंडिंग देयर टीम मेंबर्स, सपोर्टर्स, टीवी रिपोर्टर्स, एंड सो दे आर कलेक्टिंग, दे आर कॉन्टेक्टिंग विद पीपल ऑन द बेसिस ऑफ वर्डिट गिवन बाय द पीपल. दे आर मेकिंग जजमेंट दैट दिस टाइम मोदी गवर्नमेंट विल कम एंड इट हैज हैपेंड. ओके, इट रिक्वायर स्किल एंड एक्सपर्टीज. डेटा इज बेस्ड ऑन आर सेंस ऑब्जर्वेशन. डेटा हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, हम डेटा में को कलेक्ट करने में हमारा सेंस ऑब्जर्वेशन है. वॉट इज सेंस ऑब्जर्वेशन? सेंस ऑब्जर्वेशन जरूरी नहीं कि बॉडी में टच करके ही हो. इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ परसेप्शन. सो परसेप्शन इज लाइक अ थॉट प्रोसेस. हमारे विचार से हम डेटा कलेक्शन करते हैं. किसी से हम ये पूछें कि आप किस गवर्नमेंट को लगता है आपकी किसकी गवर्नमेंट बनेगी, तो इस बात को वो अपने विचार से ही व्यक्त करेगा. वो कुछ ऐसा तो देगा नहीं कि हम सब पकड़ के समझ जाएंगे. तो इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑल परसेप्शन. द डेटा कलेक्शन स्टिमुली. स्टिमुली मीन्स समथिंग विच इंड्यूस यू टू गिव आंसर टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट. स्टिमुली क्या है? क्वेश्चन, टेस्ट पेपर, क्वेश्चन, टेस्ट पेपर, पिक्चर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट मे बी क्लासिफाइड इनटू टू. अब डेटा कलेक्शन को जो हमें मोटिवेट करती है, हम किसी को क्वेश्चन दे सकते हैं, टेस्ट पेपर दे सकते हैं, अदर ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, और इन जो भी हम देते हैं इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं. क्या है? सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक. सिस्टमेटिक में क्या चीज़ होती है? कैप्ट कॉन्स्टेंट, ये हमेशा सेम रहता है वाइल ऑब्जेक्ट्स आर चेंजिंग. ठीक है, इसमें डेटा हमेशा चेंज होता, सेम रहता है, ऑब्जेक्ट्स हम बदल सकते हैं. ठीक है, और अनसिस्टमेटिक में लैक स्टैंडर्डाइजेशन, लैक ऑफ स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड का नहीं होता. इसमें एक स्टैंडर्ड का था, इसमें लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन होता है. लाइक इनफॉर्मल इंटरव्यूज में हमने मैं जॉब के लिए जाता हूँ या किसी को डेटा कलेक्ट करना है कि इस एरिया में कितने ड्रिंक करते हैं, कितने टबैको लेते हैं, और अगर मेरे पास कोई स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनेयर नहीं है तो मैं उनसे कुछ भी पूछूंगा तो वो अनसिस्टमेटिक की कैटेगरी में आता है. ठीक है, हम आजकल जो यूज करते हैं लीगल रिसर्च के लिए, वो डेटा कलेक्शन के लिए वो मैक्सिमम सिस्टमेटिक का ही यूज होता है. सेटिंग ऑफ डेटा, ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा एज फॉलोज.
तो डेटा कलेक्ट हम फॉलोइंग टेक्निक्स से करते हैं, लाइक एक इनफॉर्मल टेक्निक है जिसमें हम कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता, जैसे ये हमने पढ़ा था फॉर्मल अनस्ट्रक्चर्ड है, फॉर्मल है बट अनस्ट्रक्चर्ड है, हम उसमें अरेंज नहीं किया, हमने अपना वर्क नहीं किया, हमें क्या पूछना है, कैसे करना है, हमें मालूम तो है कहाँ जाना है लेकिन हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड कि हमें कहाँ पे डेटा करना है, कितना रिसर्च करना है, किन लोगों को कॉन्टैक्ट करना है, किस जगह पे कॉन्टैक्ट करना है, उस बेसिस पे हमें रिपोर्ट कैसे बनानी है। सो दिस इज वॉट वी डू इन फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड वेल अरेंज। ओके, कलेक्शन ऑफ डेटा में हम इतना चले गए। हियर वी गो एंड नाउ हैव डिस्क्राइब दिस चार्ट इन अ पेज लाइक दिस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एवरीबडी नोज, प्राइमरी जो होता है डेटा होता है प्राथमिक, जो अपने आप में ओरिजिनल डेटा होता है, और सेकेंडरी जो प्राइमरी पे बेस्ड होता है, क्योंकि प्राइमरी तो अपने आप में ओरिजिनल है, लिविंग बींग से हम निकालते हैं इसको हम खुद नहीं बनाते हैं, ये हमें बना बनाया मिलता है, और सेकेंडरी डेटा इसी पे बेस्ड होता है। अब इसको समझते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जो भी हम ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है हम कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी होती है। अगर इस प्राइमरी पे कोई काम करता है तो सेकेंडरी हो जाती है, सेकेंडरी पे जब दोबारा कोई काम करता है तो वो थर्ड हैंड हो जाती है, सेकेंड हैंड जो कहते नहीं, सेकेंड हैंड गाड़ी, फर्स्ट हैंड जो ब्रांड न्यू है, उसी गाड़ी को हमने बाहर बेच दिया तो वो दूसरे के लिए सेकेंड हैंड है, उसी को किसी और ने बेच दिया तो वो थर्ड हो जाता है। ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्टली फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से ही निकलती है। ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग पर्सन थ्रू ऑब्जर्वेशन, और लिविंग पर्सन से हमें निकलती है, ठीक है, क्योंकि वही हमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अदरवाइज ऑब्जेक्ट के केस में, अब यहाँ पे हम कार की एनालिसिस तो करेंगे नहीं कि ये फर्स्ट हैंड कार है सेकेंड हैंड कार है, उसका भी डेटा रिसर्च होता होगा, बट फॉर द लीगल सोशियोलॉजिकल रिसर्च जिसमें हम सोसाइटी पे बेस्ड है तो लिविंग थिंग पे ही हमें जाना पड़ेगा। अच्छा, प्राइमरी सोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, मैंने गलती से तीसरा पार्ट भी बना दिया था, बट इज डायरेक्ट प्राइमरी रिसोर्स एंड इनडायरेक्ट प्राइमरी सोर्स। अब इसमें डायरेक्ट में किसी चीज पर, बिहेवियर पे, लोगों के बिहेवियर पे, एक्टिविटीज पे हम उस बेसिस में डायरेक्टली इंफॉर्मेशन निकालते हैं, और इनडायरेक्ट क्या होता है, इंटरव्यूज और क्वेश्चनेयर में, कि हम एक क्वेश्चनेयर बनाते हैं उसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, और यहां पर हम उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, एक्टिविटीज को देखते हैं कि पर्टिकुलर एरिया के लोगों की क्या एक्टिविटी है, उस बेसिस पे हम अपना डेटा बनाते हैं। और इसके बाद सेकेंड हैंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड, ये किसी दूसरे से हम प्राप्त करते हैं, बिकॉज ये तो हमें फर्स्ट हैंड आता ही नहीं है ना, सम वन हैज ऑलरेडी वर्क ऑन सब्जेक्ट, तो किसी ने अब इस सब्जेक्ट पे पहले ही काम कर रखा है तभी वो सेकेंड हैंड बनेगा, सेकेंड हैंड तो कभी ओरिजिनल हो ही नहीं सकता, ये किसी डॉक्यूमेंट किसी पर काम करके ही बन सकता है। एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू एंड पब्लिश डॉक्यूमेंट, पर्सनल डॉक्यूमेंट कैन बी हिस्ट्रीज, डायरीज, लेटर एंड मेमोरीज। अब इसको समझते हैं, हिस्ट्रीज में हम क्या देखते हैं, बायोग्राफिकल मटेरियल, बायोग्राफिकल जो अपने आप पे कोई लिखता है या फिर किसी हिस्टोरियन ने लिखी है, उस टाइम पे लिखी है जब वो हिस्ट्री कमिट हो रही थी, तो वो लेते हैं जो हम आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। डायरीज में इवेंट रिकॉर्डेड इन रेगुलर फॉर्म, मैंने एक नॉवल पढ़ा था, वो किसी लड़की ने अपनी डायरी पे लिखा था, डायरी उसकी डायरी जब किसी को मिली तो उसकी डायरी का ही नॉवल पब्लिश हो गया था, आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट नॉवल, बट वन ऑफ द बेस्ट नॉवल ड्यूरिंग द नाजी टाइम, ड्यूरिंग द हिटलर टाइम, तो वो डायरी को पब्लिश कर दिया और उसका एक नॉवल बन गया, तो दैट वॉज द बेस्ड ऑन द डायरी, डायरी वॉज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन बट द नॉवल वॉज द सेकेंडरी। अब ये डायरी हम किसी से लेते हैं तो वो हमारे लिए सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। लेटर्स, लेटर कंटेन फैक्ट्स, जो गांधी जी लेटर लिखते थे आज हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो वो एक सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन में आता है। मेमोरीज, मेन इवेंट ऑफ सोशल लाइफ, मैं अपनी मेमोरीज को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, नरेट करते हैं, तो इस पे अगर इस इन बेसिस पे हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, इसको हम डायरी में, किसी ने अपनी डायरी बनाई कि इस एरिया का ये डिस्क्रिप्शन है, किसी ने लेटर लिखा के भेजा, तो ये भी एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, पब्लिक बॉडीज के हैं, जो पार्लियामेंट से जर्नल आया, ओरिजिनल गैजेट आया, या गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन का कुछ डॉक्यूमेंट आया, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कुछ आया, तो दीज थिंग्स कम अंडर दी सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन। एंड हियर वी हैव रेड फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, क्या है, यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट हम लेते हैं तो उस पर पहले ही काम हो चुका होता है, उसके बेस में, फर्स्ट हैंड डॉक्यूमेंट के बेस में हम अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक फर्दर रिक्वेस्ट दैट प्लीज वॉच माई वीडियोज, आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग दैट प्लीज सब्सक्राइब और लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, आई एम नॉट हियर फॉर द कॉमर्शियल एक्टिविटी, बट
it is only for the sake of the betterment of my fellow friends, those who are preparing for the LLM university, because I know that they are grappling with many issues and it is very difficult along with their professional life, as I am also grappling. I am a company secretary by profession, and I know that what we have very less time. So whenever I study, I make notes. I want to make, I always try to make very lucid and good and easily understandable notes. So kindly circulate as soon as possible, because the first paper will be of legal research, and I hope it will definitely give help. And please watch other videos also, like the important question of 2019 I have already shared. And thereafter they ask sometime relationship between the प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स में क्या है, जो प्राइमरी है वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट के लिए यूज होता है. प्राइमरी डेटा कलेक्टेड विल बिकम द सेकेंडरी फॉर अदर्स. ठीक है, पहले जो प्राइमरी डेटा पे ही सेकेंडरी डेटा का काम होता है. सही भी कह रहा है. सेकेंड हैंड डेटा प्रोवाइडेड हाइपोथीसिस फॉर द प्रॉब्लम. अब सेकेंड हैंड डेटा पे ही जो हम हाइपोथीसिस बनाते हैं वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए बनाते हैं, कि इस प्रॉब्लम को कैसे गवर्न करेंगे. सेकेंड हैंड डेटा बिकम द थर्ड हैंड इफ इट इज यूज बाय अदर. सेकेंड हैंड डेटा को अगर कोई और यूज करता है, जैसे मैंने पहले बताया था फर्स्ट हैंड गाड़ी खरीदी, उसको भी कुछ चलाया हमने, दूसरे को बेच दिया, तो दूसरे के लिए वो सेकेंड हैंड. एंड अगर वो सेकेंड हैंड ओनर उसको किसी और को बेचता है तो वो थर्ड हैंड हो जाएगी. इसी तरह इस डेटा का भी इस्तेमाल हम इस अगर इस तरह करते हैं तो वी विल बी यूजिंग दैट डेटा एज अ थर्ड हैंड इफ इट इज यूज बाय समवन एल्स अदर देन सेकेंड हैंड ओनर. ओरिजिनल मटीरियल सोर्स ऑफ लॉ. अब यहाँ पे मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ का क्या यूज है, इसको हम पढ़ते हैं. मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ इज डिवाइडेड इनटू लीगल एंड हिस्ट्री. मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ दो तरह से मिलता है, एक तो लीगल से मिलता है और हिस्टोरिकल में मिलता है. हिस्टोरिकल में बायोलॉजिकल ग्राफीज पढ़ना, बायोलॉजिकल इवेंट पढ़ना, बायोलॉजिकल कंटेंट पढ़ना, दैट इज कम इन टू द इंडस्ट्री. लाइक वेन सॉन्ग आया था हमारे यहाँ चाइना से, उसने बहुत सारी हिस्टोरिकल डेटा लिखी थी, तो उसके जो भी डॉक्यूमेंट है वो सेकेंड हैंड डॉक्यूमेंट ही आएंगे, वो हिस्टोरी में आ जाएंगे. एंड फर्स्ट हम करते हैं लीगल सोर्सेज. लीगल सोर्स ऑफ लॉ आर अथॉरिटेटिव. ठीक है, लीगल सोर्स जो भी बनता है वो पार्लियामेंट से पास होता है, इन्फोर्स बाय स्टेट होता है, तो उसमें अथॉरिटी तो होती ही. अथॉरिटेटिव इट मींस इट इज इन्फोर्स बाय लॉ, एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग देन यू विल बी पनिश्ड. लीगल सोर्स में भी डिवाइडेड इन टू द फॉलोइंग क्लासेस. अब लीगल सोर्स को इन्होंने कैसे डिवाइड किया, इनेक्टेड लॉ हैविंग इट्स सोर्स इन लेजिस्लेशन. जो भी लॉ हम पार्लियामेंट में इनेक्ट करते हैं, सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी हमें करती है. सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी लॉ करती है, वो कौन सी अथॉरिटी है, पार्लियामेंट. पार्लियामेंट एंड पावर फर्दर डेलीगेटेड टू सबॉर्डिनेट अथॉरिटी. और वहां पे स्टेट के लॉज होते हैं तो वहां पे सबॉर्डिनेट बॉडीज उस चीज को गवर्न करती हैं. तो एक तो यहां पे इनेक्टेड लॉ, इनेक्टेड लॉ में पार्लियामेंट मेड बाय द सॉवरेन अथॉरिटी, एंड सॉवरेन अथॉरिटी फॉर अ नेशन इज अ पार्लियामेंट. केस लॉ हैविंग इट्स सोर्स इन प्रेसिडेंट. केस लॉ कैसे हमारा सोर्स काम करता है लॉ के लिए, बिकॉज इट्स सेट एग्जांपल फॉर द अदर सिमिलर काइंड ऑफ केसेस. लाइक निर्भया का हीनियस क्राइम था, कोई हीनियस मर्डर है, ग्रूसम एक्ट है, तो इन दिस केस वी रेफर द प्रीवियस केसेस विच इज हैपेंड ऑन द सेम इंसिडेंस. तो एक केस हुआ था जिसमें किसी का मर्डर हुआ, उसमें वही गाइडलाइंस हम दूसरे केस के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो इस तरह से केस लॉ एक प्रेसिडेंट का काम करता है. कस्टमरी लॉ हैविंग इट्स सोर्स इन कस्टम. कस्टम इज एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी बिकॉज वी आर डूइंग फॉर द लॉन्ग टाइम एंड इट इज हैविंग बाइंडिंग इफेक्ट. एंड कस्टम विच इज एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी हैविंग लेजिटिमेट इफेक्ट एंड देन इट बिकम लॉ एंड लॉ देन अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर एंड देन इट विल बिकम इन्फोर्सिबल बाय लॉ. तो कस्टम्स भी हमारे लॉ बनते हैं. कस्टम एक पगडंडी की तरह है, कि जब हम एक मैदान में चलते हैं जो हरी घास से भरा हुआ है और धीमे धीमे चलते चलते उसमें पगडंडी सी बन जाती है, तो दिस इज कॉल्ड वो जो पगडंडी हरे मैदान में दिखती है कि उसमें मट्टी होती है, उसमें घास नहीं जमी होती, वो एक कस्टम होता है. और जो लेजिटमेट कस्टम है वो धीमे धीमे हमें एक्सेप्टेबल हो जाता है, कि अगर आप चोरी नहीं करेंगे, चोरी करेंगे तो आप पनिशमेंट मिलेगी, तो धीमे चोरी करना मना है, ये हमारा कस्टम था, ये हमारा बिहेवियर है, और इस पर एक लॉ बन गया कि अगर आप चोरी करते हो तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी. तो दिस इज कॉल्ड कस्टम. स्टैचुटरी इंटरप्रिटेशन एंड इट इज डेफिनेटली स्टैचू बनता है, तो उसका इंटरप्रिटेशन हमारे जजेस करते हैं. बट जजेस शुड नॉट गो बियॉन्ड द लेटर्स. इस चीज का हमें स्टेट लॉ और लॉ और जो भी लॉ बनते हैं हमारे
जजेस करते हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जजेस शुड नॉट गो बियॉन्ड द लेटर्स। फ्रेंड्स थोड़ा मैं भी जल्दी में हूँ क्योंकि पेपर आने वाले हैं, जल्दी जल्दी बना के दूसरा बनाना है और अपना पढ़ना भी है, शायद सबका बना भी ना पाऊं, लेकिन जो मुझे लगता है मैं बना सकता हूं मैं बना देता हूं वीडियो। कोडिफिकेशन इज कंपाइलेशन एंड कलेक्शन, किसी हम एक्ट को किसी के कंट्री के जो भी एक्ट होते हैं वो उनकी प्रीवियसली कोर्ट्स से, हमारे कोर्ट्स क्या हैं, इंडिया के कोर्ट्स कौन कौन से, मनु, याज्ञवल्क्य या याज्ञवल्क्य एंड नारदा, जो ये नारद स्मृति है मनु स्मृति है, तो जो हमारे इनमें लॉ लिखे हुए हैं, देखो याज्ञवल्क्य तो मेरे को डिफिकल्ट से बोला ही जाता है तो इसको छोड़ दो, मनु स्मृति लिख देना और नारद लिख देना, नारदा, ये नारद मुनि जो आग लगाते रहते थे ये तो याद रहेगा, एग्जाम में लिख देना। कोडिफिकेशन और मॉडर्न टाइम्स में हमारे दो कोड हैं, एक आईपीसी इंडियन पेनल कोड है और एक सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड। तो कोडिफिकेशन और हम कंपाइलेशन कर, हम जो अपने लॉ बनाते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि हमारे एशियंट्स इपिक में माइथोलॉजिकल बुक्स जो हमारे पौराणिक किताबें उनमें क्या लिखा हुआ है, तो हमें एक तो हमारा लाइक कंट्री का जो हिस्ट्री है वो आज का तो है नहीं, बहुत पुराना है, तो वहां के जो रूल चलते आ रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट हमारे कोडिफिकेशन में हमारे लॉ में पड़ता है, तो हमें उसको भी ध्यान देना होता है। कन्वेंशनल क्या होता है, ये सिक्स्थ है, ये गलती से फिफ्थ लिखा हुआ है, कन्वेंशनल लॉ हैविंग इट्स सोर्स इन एग्रीमेंट। कन्वेंशन लॉ हम क्या कहते हैं, जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल होते हैं, इट इज नॉट बाइंडिंग बाय द लॉज, बट सर लाइक इन प्रीवियस एरा व्हेन द ब्रिटिश कंपनी एंटर्ड इनटू इंडियन ओशियन एंड दे स्टार्टेड मर्चेंट एक्टिविटी लाइक कमर्शियल एक्टिविटी, तो उस समय एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल और नोमेनक्लेचर हुआ करते थे। आज के जमाने में तो हर चीज रिटर्न और कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस जमाने में तो जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल थे दो पार्टी के बीच में तय हो गया उस हिसाब से काम हो जाता था, उसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट भी नहीं होता था। तो गवर्न पार्टीज टू द एग्रीमेंट नो लीगल बाइंडिंग, तो ये आपस में कन्वेंशन समझ है तो उससे हो जाता था, हालांकि इस पे कोई लीगल इन्फोर्सिबल नहीं है, अगर आप इसको कोई केस करना चाहो तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, इट इज बिटवीन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्टी। सो फ्रेंड विद दिस आई हैव कंक्लूडेड, आई हैव समराइज द डेटा एंड आई होप यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू आर गेटिंग ट्रिमेंडस हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो। काइंडली वॉच एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसी को पॉज कर करके अपने हाथ से नोट्स बना लो, ये 16-17 मिनट्स का वीडियो, इस तरह से आपको कई सारे टॉपिक मिलेंगे, मैंने बाकी भी रिसर्च मेथोडोलॉजी के बनाए हैं और उसको आप देखो, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्राइट डोंट रिकमेंड ब्राइट इफ आई हैव मेड वीडियो फॉर यू, बिकॉज ब्राइट में बहुत कम दे रखा है, इंडक्टिव डिडक्टिव दे दिया मैंने, लीगल रिसर्च दे दिया, बहुत से टॉपिक दे दिए जो मुझे अभी याद नहीं आने, आप प्लीज काइंडली वॉच। बाय बाय, टेक केयर, अखिल दिस साइड।